Hello children, in this video we will do input function of Python. Python input function is used to get input from the user. This function prompts the user to input a value. Python input function ka kya use hai? Python input function help karta hai user input lene mein, right? With the help of input function we get the input from user. Syntax of this function is variable to hold the value equal to input prompt to be displayed. Now we are going to do it practically. Okay, so let us suppose I want the user to input his her name. So hum yahan pe ek variable lenge, name equal to input enter your name. Okay, so I have written the statement name equal to input enter your name. Okay, this statement will display the prompt as, yahan pe prompt kya hai, enter your name. ओके जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंटर प्रेस किया तो क्या आया हमारा प्रॉम्प्ट आया एंटर योर नेम. ओके सो ओके इन फ्रंट ऑफ दिस वी कैन टाइप द नेम. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपना नेम टाइप कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे नेम लिखा है रोहन. ओके अब यहाँ पे हम रोहन टाइप करेंगे एंड देन यू कैन प्रेस एंटर अगेन. ओके सो दिस वैल्यू दैट आई हैव टाइप्ड जो वैल्यू मैंने अभी टाइप की है ठीक है ये किसको असाइन होगी ये नेम वेरिएबल को असाइन होगी. ओके इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ यूजर ने इनपुट एंटर करा दिया अपना. ओके इनपुट फंक्शन की हेल्प से प्रॉम्प्ट यहाँ पे डिस्प्ले हुआ. ओके प्रॉम्प्ट पे हमने जो भी प्रॉम्प्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी वैल्यू एंटर करी. अब यहाँ पे जो रोहन एंटर हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर होगा वो नेम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा. ठीक है रोहन इज स्टोर्ड और सेव्ड इन नेम वेरिएबल. ओके नाउ वी कैन प्रिंट दिस वेरिएबल बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन. अब आप इसको प्रिंट करा दो नेम फाइन प्रेस एंटर. अब देखो जब हमने नेम को प्रिंट कराया तो हमको क्या मिला रोहन. राइट ओके सो इन दिस वे यूजर कैन एंटर द वैल्यू. फाइन ओके नाउ टेक वन मोर एग्जांपल. हियर वी विल डिस्प्ले यूजर्स इनपुट विद सम मैसेज. ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे मैसेज के साथ डिस्प्ले करेंगे. राइट ऑलरेडी हम नेम के अंदर इनपुट करा चुके हैं नेम वेरिएबल को के अंदर हम वैल्यू इनपुट करा चुके हैं. अब हम क्या कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर मैसेज के साथ डिस्प्ले करा रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम मिस्टर. ओके एंड यहाँ पे नेम नेम इज द वेरिएबल विच इज होल्डिंग वैल्यू. राइट और यहाँ पे नेम ने क्या वैल्यू स्टोर की हुई है रोहन. फाइन व्हेन यू विल प्रेस एंटर दिस इज द रिजल्ट वेलकम मिस्टर रोहन. फाइन तो यहाँ पे हमने क्या किया यूजर से वैल्यू इनपुट कराई. ओके उसके बाद हमने उस वैल्यू को प्रिंट कराया एंड देन वी आर प्रिंटिंग दैट वैल्यू अलोंग विद सम मैसेज. हम किसी मैसेज के साथ भी उसे प्रिंट करा सकते हैं. ओके एंड यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मैसेज वी हैव गिवन इन डबल कोट्स. ओके जो भी स्ट्रिंग हम डबल कोट्स में देते हैं वो एज इट इज आती है. राइट तो वेलकम मिस्टर एज इट इज अपीयर हुआ है एंड यहाँ पे वेरिएबल नेम हमने डबल कोट्स में नहीं लिया है. अगर हम इसको डबल कोट्स में लेते तो इसकी वैल्यू नहीं आती नेम ही आ जाता है. इसको अगर आप करके देख सकते हो जैसे मैंने लिखा प्रिंट वेलकम मिस्टर. अब अगर मैं नेम को भी डबल कोट्स में ले लेती हूँ तो नेम की वैल्यू नहीं आएगी नेम एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा. राइट
एंड प्रेस एंटर. अब देखो यहाँ पे क्या है, वेलकम मिस्टर नेम. ओके, तो डबल कोट्स में वट एवर यू आर टेकिंग डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, इट विल अपियर एज इट इज, इट विल कम एज इट इज, राइट. तो हमें अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो वेरिएबल को कभी भी डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करना है. ओके, सी नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे हम इनपुट करा रहे हैं, इनपुट एज, इनपुट एंटर योर एज. ओके, एज दिस, लेट अस सपोज आई हैव रिटन 16. ओके, नाउ आई विल प्रिंट वेरिएबल एज, राइट. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से एज को इनपुट कराया, राइट, और उसको प्रिंट करा दिया. फाइन, नाउ आई वॉन्ट टू डू वन मोर थिंग, आई वॉन्ट टू एज इक्वल टू एज प्लस वन, मैं एज के अंदर वन ईयर एड करना चाहती हूँ, लेट अस सपोज. फाइन, तो मैंने क्या किया, एंटर कर दिया. अब यहाँ पे हमारी क्या आई है, एरर. और एरर क्यों आई है, इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप. इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है. ओके, हमेशा कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू. तो यहाँ पे जो 16 हमारे पास आया है वो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वो नंबर वैल्यू नहीं है, वो क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट. ओके, रोहन क्या है, रोहन इज ऑल्सो स्ट्रिंग वैल्यू एंड 16 इज ऑल्सो स्ट्रिंग वैल्यू. फाइन, ओके, एंड आई टोल्ड यू द रीजन, बिकॉज इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू. फाइन, नाउ अगर आपको देखना है कि इसका टाइप क्या है, तो आप यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज कर सकते हो, टाइप एज. ओके, टाइप एज, प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी क्लास स्ट्रिंग, एज कौन सी क्लास से रिलेटेड है, स्ट्रिंग क्लास है, राइट. सो इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू. अब अगर हमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसकी हमें अरिथमेटिक फंक्शंस करने हैं, न्यूमेरिक ऑपरेशंस करने हैं, एंड वी वांट नंबर्स, वी डोंट वांट स्ट्रिंग, उसके लिए व्हाट विल वी डू, राइट. ओके, बिकॉज वी नो दैट स्ट्रिंग वैल्यूज कैन नॉट बी यूज फॉर अरिथमेटिक और न्यूमेरिक ऑपरेशन. ओके, वी फॉर दिस ऑपरेशन वी नीड टू हैव वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक टाइप, दैट इज इंटीजर और फ्लोट, राइट. सो पाइथन ऑफर्स टू फंक्शंस, इन फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन, टू बी यूज्ड विद द इनपुट फंक्शन टू कन्वर्ट द वैल्यूज रिसीव्ड थ्रू इनपुट इनटू इंट एंड फ्लोट टाइप्स. ओके, अब इसका क्या सॉल्यूशन है पाइथन के पास, पाइथन हमको दो फंक्शंस देता है, इंटीजर फंक्शन दैट इज इन फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन. ओके, विच कन्वर्ट्स द वैल्यू रिसीव्ड बाय द इनपुट फंक्शन इनटू इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, राइट. अब इसको हम ऐसे इस एग्जांपल को ही हम करके देखते हैं, जहां पे हमने क्या लिखा, एज लिखा इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंट फंक्शन से ले लिया, इंट फंक्शन के अंदर ही इनपुट फंक्शन को एनक्लोज कर दिया. अब क्या, और यहाँ पे कर दिया एंटर योर एज. फाइन, नाउ इनपुट फंक्शन इज एनक्लोज्ड बाय इन फंक्शन, इनपुट फंक्शन से वैल्यू आएगी. ओके, एंड वैल्यू एज वेरिएबल में स्टोर होने से पहले क्या होगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ इन फंक्शन, राइट. अब नाउ एंटर योर एज, आई एम राइटिंग 16 हियर. फाइन, ओके, आओ नाउ, अब हमने क्या किया, अगर हमने प्रिंट कराया सिंपल प्रिंट, तो यहाँ पे 16 ही प्रिंट होगा, प्रिंट एज 16, बट दिस 16 इज अ नंबर. ओके, और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप इस पे अरिथमेटिक फंक्शन करो, एज एज प्लस वन कर दो, ठीक है. ओके, हमने एज इज इक्वल टू एज एज प्लस वन कर दिया, कोई भी एरर नहीं आई. अब आप प्रिंट करो, प्रिंट एज, राइट.
17 आया, राइट, क्योंकि इसमें एडिशन हुआ है, क्योंकि अब एज वेरिएबल में क्या है, न्यूमरिक वैल्यू स्टोर है। और अगर आपको इसका टाइप भी देखना है, टाइप देखना है, तो आप कर सकते हो प्रिंट एज, राइट, टाइप। अब देखो क्लास इंट आ गया है, क्लास इंट, फाइन, ओके। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को जैसे इन फंक्शन से आपने क्या किया, जो भी यूजर ने वैल्यू इनपुट की उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, ऐसे ही आप फ्लोट में भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू, अगर सी फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट, एंड देन आपने किया इनपुट, एंटर योर मार्क्स, राइट, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। ओहो, अभी हमने इसको पूरा एनक्लोज नहीं किया था। नाउ एंटर योर मार्क्स, तो हमने इसमें डाला 45.5, फाइन। प्रिंट मार्क्स 45.5, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स हमारे क्या है, मार्क्स है फ्लोट, राइट, डेसिमल, द नंबर विच कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, राइट। और अगर आपको उसका टाइप पता करना है तो आप टाइप फंक्शन यूज करके देख लो, मार्क्स, ओके, क्लास फ्लोट, ओके, दिस इज नॉट स्ट्रिंग, दिस इज फ्लोट, ओके, बिकॉज वी हैव यूज्ड फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू इनटू फ्लोट वैल्यू, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लेते हैं, स्क्रिप्ट मोड में जाके ले लेते हैं, हमने एक नंबर लिया ए, ओके नो, ओके, हम लेते हैं नम वन इक्वल टू इनपुट, एंटर नंबर वन, राइट, देन हमने ले लिया नम टू इज इक्वल टू इनपुट, एंटर नंबर टू, ओके, फाइन। देन हमने सम ले लिया, सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, एंड देन प्रिंट सम। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, दो नंबर्स को एंटर करवाने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया है, ओके, बट वी हैव नॉट कन्वर्टेड इनपुट द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर इनटू इंटीजर फ्लोट। यहाँ पे हम इसको जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, ओके, और हमने यहाँ पे कन्वर्जन के लिए इंटीजर या फ्लोट फंक्शन का यूज नहीं किया है, राइट, तो इस केस में क्या होगा, जब आप इसको पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, fine, s2 दे दिया, s3 दे दिया, right, it's already exists, yes, okay, now जब आप यहाँ पे क्या करोगे, f5 बटन हमने प्रेस किया, पहले एंटर नंबर वन आ रहा है, एंटर नंबर वन में हमने कर दिया 5, okay, एंटर नंबर टू हमने इसमें कर दिया 6, अब देखो एडिशन पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, 5, 6 आया है, ठीक है, 5 + 6 होके नहीं आया, 5, 6 आया, क्यों, आपको पता होगा जब हम स्ट्रिंग वैल्यू, राइट, जब हम क्या करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, सी कम टू दिस प्रोग्राम, जब हम स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करते हैं, राइट, हम स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ ऐड करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो दोनों का कॉनकैटेनेशन होता है, कॉनकैटेनेशन मींस दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे भी सेम हुआ, बिकॉज अभी हमने इनको कन्वर्ट नहीं किया, 5 भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है और 6 भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, और जब हम दोनों के बीच प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे, दोनों के बीच एडिशन करेंगे, तो दोनों का क्या होगा, ज्वाइनिंग होगी, कॉनकैटिनेशन होगा, राइट, तो यहाँ पे ये कॉनकैट हो गया है, 5 + 6 इज इक्वल टू 5, 6, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, राइट, यहाँ पे ये एड नहीं हुआ है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, कॉनकैटिनेशन हुआ है। अगर हमें एड करना है तो हमें क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज को क्या करना होगा, इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट
फंक्शन को एनक्लोज कर दिया इन फंक्शन में, ठीक है। ऐसे ही हमने सेकंड वैल्यू को भी एनक्लोज कर दिया, इन फंक्शन में, राइट, ओके। एंड देन नाउ यू प्रेस F5। अब आप करो, अगेन मैं वही वैल्यूज लेती हूँ, 5 एंड सेकंड हमने लिया 6, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, एडिशन 11, ओके, बिकॉज नाउ 5 इज ऑल्सो अ नंबर एंड 6 इज ऑल्सो अ नंबर, दे आर नॉट इंटीजर वैल्यूज, फाइन, ओके। तो इन दिस वे यू कैन वी कैन गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ओके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर वी गिव इनपुट टू द इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन, इट इज ऑलवेज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ओके। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू नंबर फ्लोट इफ वी वॉन्ट टू डू न्यूमेरिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन देम, राइट।